ये काम आ गया ना। अच्छा वाले किशमिश नहीं लाए, किशमिश खाती है तुम? आप बोलो हाय फ्रेंड। ये देखो फ्रेंड अस्सलामुअलैकुम, खुशामदी सभा के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब एकदम ठीक है। खाने पे मुझे बहुत भूख लगी है रेहान को। संतोष भैया वड़ा पाव देखने के लिए गए हैं। फ्रेंड्स ने देखा होगा पिछले व्लॉग में कि हम लोनावला निकल के, भाई के व्लॉग में भी आप देख ही चुके होंगे, हम लोग रास्ते में है, रेहान को भूख लग रही थी, वड़ा पाव ले रहे, मुझे भी लग रही थी तो मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ। पिछला व्लॉग एडिट करना है, एडिट करते करते मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, वॉमिट जैसा लग रहा है, इसलिए मैंने एडिट रोक दिया है। हम आपको वहीं चल के मिलते हैं। खानदानी वॉमिट है। वॉशरूम चेक करने सबसे पहले सही है। हाँ सही है, अच्छा है, खुला है ना। ये वाली कार में अच्छा लग रहा होगा ना पापा? ये अपने लोगों का। हाँ, आपका भी है तो ये लोग यहीं से बार बार हमारे रूम में आएंगे। ज्यादातर तुम उन्हीं के साथ ही रहती जी? नहीं, बालकनी है। सुबह के चाय पीने को मजा आएगा। तुम चाय पीते भी हो सुबह? कॉफी पी लेंगे हम लोग का, अच्छा मिलेगा। मम्मी ये वाला जो रूम है ये बच्चों का रूम है, ये हम लेंगे। हम लोग अच्छे दिखाओ बैलकनी, तुम लोग और ललचा के ये रूम में ले लो तो बैलकनी छुपा रहे। फिर ये बच्चे हमें रूम में आने नहीं देंगे ना, फोटो लेके इकट्ठे जाएंगे। ये किचन है, बस बाहर से ही देख लो। क्या नाम है आपका? आदित्य और विपिन, याद कर लो। पापा को आज कार में बिल्कुल भी नई कार में तकलीफ नहीं हुई, माशाल्लाह आराम से आए। बिल्कुल टीवी के सेट जैसा लग रहा है, जैसे उनके दो सीढ़ी है, एक इधर से एक इधर से। टेबल टेनिस है, बैट बॉल नहीं। और उनकी जैकेट शायद बड़े होते होंगे। ये भी हमसे ना हो पाया। वो मुर्गी दिखा रही है, वो केले दिखा रही है। सालू देखो तो केले 15 दिन के बाद आते तो खाने को मिलते हैं। पपीता पपीता भी लग रहा है। सब लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो गार्डन ओपन एरिया ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो हम लोग वॉक भी करते रहेंगे, खेलते भी रहेंगे। हमने सब जगह घूम लिया, थोड़े आराम करते हैं और मुझे अपना वीडियो भी एडिट करना था। यहाँ पे आए फ्रेंड्स, यहाँ पे आराम से नाश्ता पानी चल रहा था, जो भी घर में बची हुई चीजें ये लोग सब लेके आते हैं, वेस्ट होता है। खरबूजा खीरा गाजर ये तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब गृहस्थी उठा के ले आई। फिर लंच में खाए दाल चावल और अम्मी पापा देखो कैसे आराम से बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखो होशियारी दिखा रहा है और लग गई। कहाँ से कूद के आए हो? तो यहाँ से तुम चढ़ के आए हो? हाथी फूट गया। तुम्हारी गाड़ी के साथ में आज फोटो खिंचवा रहे हैं, अभी एक तुम खींच दो। क्यों ये अच्छी नहीं खींच रहे? अच्छी नहीं खींच रहे, जैसा चेहरा देखो धूप है ना। अरे जैसा चेहरा वैसे थोड़ा जानते हैं, फिल्टर तुम करवाना सालों से मुंह को ठाड़ी जानते हैं। अरे सेल्फी ये भी आना चाहिए पूरा, ये इधर इधर फोन में देख के लिखते क्या। हम लोग को फैमिली फोटोग्राफ लेनी थी तो हम लोग वही भाभी को देख रहे थे कि वो भी आ जाए। पापा चलो बाहर चलेंगे। आंटी वो वाले ब्लॉग में तो आप दिख चुकी है, मेरे ब्लॉग में भी हाय हाय कह दी। अच्छा लग रहा है इस बार आंटी भी है तो इन लोगों की बातें ही नहीं खत्म हो रही है। इतने दिन बाद हम मिले हैं तो बातें करेंगे। सही बात है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है। भले दूर रहते हैं लेकिन बहुत मोहब्बत है, ऐसे ही रहे हमेशा, ऐसे ही रहे, अल्लाह से यही दुआ करें हमेशा ऐसे ही मोहब्बत बने रहे। और खुश हो रही है। हाँ एक कंपनी मिल जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है। यही बोल रही थी कि सब अपनी शादी में अच्छे अच्छे कपड़े पहने, एक से पहनेंगे। जोर से बोलो शादी की बात, जोर से देखो कितनी खुशी लगी। सब अपनी शादी में अच्छे अच्छे पहनेंगे। सालू की शादी में सब एक से पहनेंगे, हल्दी में मेहंदी में बारात में, ठीक एक सब तो लगेंगे कि नाचेंगे गाएंगे ठीक है। आप पे शादी की प्लानिंग चल रही है? अच्छा बता रही थी आंटी, बता रही थी एक सी पहनेंगे, किसी को नहीं बताना। तुम क्या पहनोगी? भी आप बताएंगे ना, लेकिन शादी इस बार कुछ आप रोकेंगी नहीं, जो मतलब हम लोग को करना है नाखून बड़े बड़े लगा लेना, चुड़ैल हो जाए। नेल्स
लगाएंगे नहीं, हम नेल्स बढ़ाएंगे 2-3 महीने। फ्रेंड्स हम आ गए हैं यहाँ पे वॉक करने के लिए। मतलब मैं हमेशा शादी 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 करती रहती हूँ, आज सब लोग बात कर रहे, मुझे शर्म आ गई। सोचता हूँ हमेशा इतनी उतावली होती रहती है, तो हमने कहा चलो अभी तो सीरियस प्लानिंग लग रही थी भैया, अभी तक चलो मैं मजाक मजाक करती थी, अभी तो एकदम सीरियस प्लानिंग हो रही है कौन क्या पहनेगा, या तो इधर आ जाओ या तो इधर आ जाओ सारा। तो सेल्फी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, कितना मजा भी तो आएगा। नेक्स्ट डे हो गया है, अम्मी और अम्मा नमाज पढ़ रही है और अभी चलते हैं। भूत भागो, चुरा लाइए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे हो गया है और आजकल मैं ना नीचे वही अम्मी के पास ही नीचे गद्दा पे जाके सो गई, ये लोग यहाँ पे थे बस अभी इन्हें उठाने आई हूँ। कल ज्यादा फिर व्लॉग भी नहीं बनाया और पता नहीं तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, मतलब ऐसे सब दिखने में ठीक लग रही हूँ लेकिन अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए तो अभी इसको उठाने आई हूँ ताकि उठे थोड़ा मनोरंजन कराए मेरा। उठो, तीनों को उठ के रेस लगानी होगी वॉशरूम की, मैंने गलत जगाया, 2 मिनट और ले। नहीं नहीं बहुत हो गया, जद्दोजहद इतने टाइम के बाद हमारा व्लॉग अब लाइव हुआ। आप यहाँ आए किस लिए? आ नहीं सकते, आपने बुलाया तो नहीं बुलाया, किसी ने बुलाया मैंने अभी सपने में देखा है, आपने बुलाया है। आउटफिट चेंज कर लिया और ये मैंने मैक्सी ड्रेस पहनी है, बहुत ही फ्लोई सी और इसका पैटर्न कितना अच्छा है, आप देखिए कितना सारा यहाँ पे फ्रिल, बड़ा क्यूट सा लग रहा है। क्या बोल रहे हो, हाइड एंड सीक खेलना है या ये बोलने की हाँ खाना है? कितनी भूख लग रही है। अरे भूख नहीं लगी, मैंने कहा हाइड एंड सीक अभी इतने दिन से नाम नहीं सुना, छुपन छुपाई बोलते हैं हाइड एंड सीक बोलेंगे। अम्मी की भी फोटो खींच देते हैं, बहुत ही अच्छा लोकेशन है और अम्मी का जो सूट है वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स ये भी मिंत्रा से ही मंगाया था, सुबह ना अम्मी जब उठी तो उनकी आंख में कुछ चला गया और जो दिख नहीं रहा है इनविजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, जो भी है कुछ तिनका है जो भी है, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर दर्द हो रहा है इसलिए आंसू आ रहे हैं, ड्रॉप डाला है और पानी डाला है, देखते हैं शाम तक थोड़ा ठीक हो जाएगा। अम्मा की फोटो खिंचवाने के लिए आ गए हैं। ये तो बहुत अम्मी है, छिकला खा के जान जाते हैं, मुँह में दबा तो मीठा लगता है और नहीं हुआ मीठा तो 1000 दोगी। हाँ वो कड़वा लगता है, ना खट्टा तो और भी ज्यादा खट्टा है, बहुत खट्टा। अम्मी शर्ट हार गए, झूठ नहीं बोला कि अम्मी कह रही है शालू ऐसा भी है कि आधा संतरा मीठा आधा खट्टा, क्योंकि मैं जो खा रही हूँ तो मीठा है, तो मैंने कहा अम्मी मैंने आपसे झूठ बोला, ऑरेंज मीठा ही था, मैंने एक्टिंग की थी। देखो ये साथ हार गई ना, तेरी अम्मी का जो जजमेंट था वो एकदम सही था कि अम्मी ऑरेंज के छिलके से बता देती है कि ऑरेंज मीठा है या नहीं मीठा है। ऐसे करके ऐसे मारे तो क्या हो, देखिए कितना बड़ा अमरूद है। अम्मी सबके बारे में कितना सोचती है, पहले हमसे पूछा कि सारा खा लो, अब खालो के पास, खालो के पास नहीं, खालो तो खा लेंगे बोल रहे, विशाल भैया को नहीं मिले होंगे उनको नीचे। अमरूद खाओगे? दांत बीज जाते हैं, बीज मत चबाना, बीज हटा के दे दे, बीज हटा के कैसे दूंगी। पपाया खा लो पापा। क्या कर रही हूँ, ऑरेंज का छिलका तुम्हारी अम्मी के आंख में जाके डालूंगी चुपके से, तुम चुपके से फोन लेके ऑन रख के वहीं घूमती रहे। उसका फ्रेंड आपने पिछले ब्लॉग में देखा, वहां मोटा टूटा उसी में धड़ाम धड़ाम। कैसा लगा तुमसे ले गया मतलब? ये क्या है, नाजा खाला अंदर और नाम से बोल रही है कि देखो मेरे आंख में कुछ चला गया है, और जब वो देखेंगे तो कैसा है पापा खाना? क्या बना रहे भैया? पराठे। लंच में आलू गोभी की सब्जी, कोफ्ते, चावल और हलवा। क्या हुआ? अभी नोट करा है इसको, आप दिखा रही है मेरी आंख, दिखाए मैं संतरे के चिकन का साइड। कैसे लड़ाई कर, लड़ाई कटनी है मैया तो रखो, तो लड़ाई कटनी है, एक कन्नू जिले खापनी पान का तेरा, जिस छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं मारेंगे। अम्मी यहाँ कहाँ गए तुम लोग?
भाई गुस्सा करेगा, चलो चलो आ गई। ढूंढते ढूंढते पूरे बंगले में ढूंढ रही हूँ, पता चला बंगले से पूरे बाहर आ गए, फिर मुझे उस लड़के ने बताया कि वो लोग बाहर चली गई हैं। बैडमिंटन खेलने की नाकाम कोशिश के बाद अब हम लोग अभी से रखने जा रहे हैं। इतनी डाउन टू अर्थ अम्मी है कि यहाँ पे भी नीचे ही बैठे रो रही है लग रहा है। शाम के 5:12 हो रहे हैं, हम लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं फ्रेंड्स, बैडमिंटन खेल के थोड़ा थोड़ा थक भी गए हैं क्योंकि बैडमिंटन ऐसे कम खेल रहे थे, नीचे से चिड़िया ज्यादा उठा रहे थे, इतनी हवा चल रही थी। आइसक्रीम को आइसक्रीम खाना जल्दी से आ जाओ, चैलेंज करेंगे। शाम की चाय का वक्त हो गया, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं और इस वक्त यहाँ पे बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर पकौड़े भी बनाए थे और उन्हें आलू के और शिमला मिर्च के पकौड़े दिए थे, तो हम सब लोग साथ में बैठ के खा रहे थे और बहुत सारी मस्ती बातें और जो भी करना था सब कुछ कर रहे थे। पकौड़े और चाय ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो भाभी हमेशा की तरह सबको चाय निकाल के दे रही थी। फिर हम सब ने बहुत सारी बातें की, छुट्टियों पे आने का यही मतलब होता है कि सब एक साथ बैठ के बातें करें। हमारा यहाँ पे आज सेकंड डे भी खत्म हो गया है, बहुत मजा आ रहा है, अभी हम इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं और आंटी को हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तो वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबक के जहां को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।